बचपन में सुना था, पत्थर भी बोल उठते हैं, सागर की लहरों की तरह दिलों में लाखों सवाल पैदा कर डोल उठते हैं। सदियों तक अनजान रहने के बावजूद आज सारे संसार को उजालों की ओर ले उठते हैं। आप महान थे, आप महान रहोगे जब तक ये जमीन और आसमान होंगे। जम्बूद्वीप के महान सम्राट, सम्राट अशोक, आपको शत शत नमन। सदियां बीत गई लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप और जो प्राचीन बौद्ध स्मारक है उनकी जानकारी आपको दी जा रही है। तो हम आए हुए हैं जम्बूद्वीप के महान सम्राट या फिर विश्व के सबसे महान सम्राट, जिन्हें हम भारत के सबसे महान सम्राट कहते हैं, जिनकी राजधानी जो मगध की पाटलिपुत्र हुआ करती थी, यानी कि सम्राट अशोक इनकी भूमि में और सम्राट अशोक इनकी जो राजधानी है पटना, यहाँ पर हम आए हुए हैं। और पटना यहाँ के जो प्राचीन बौद्ध स्थल है या फिर उससे जुड़े हुए तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश हम कर रहे हैं। पटना में देखिए, जो सम्राट अशोक इनके जो साहित्य या फिर जो सम्राट अशोक इनके जो स्थल है उन्हें खोजने में बहुत सारी मशक्कत इतिहासकारों को करनी पड़ी, या फिर यहाँ पर जो कुमारा नाम की साइट है जहाँ पर सम्राट अशोक इनके जो अवशेष या फिर सम्राट अशोक इनका जो महल पाया गया है वह बहुत ही मेहनत और बहुत ही खोज के बाद लोगों के सामने है। सर एलेक्जेंडर कनिंगम जो कि भारतीय पुरातन विभाग के जिन्हें जनक कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय पुरातन विभाग का निर्माण किया है भारत में, तो वह भी यहाँ का जो कुमारर नाम का जो स्थल है जहाँ पर सम्राट अशोक यह रहा करते थे वह स्थल खोजने में नाकाम हुए थे। तो आरोग्य विभाग के डॉक्टर वॉडल इन्होंने यह जो स्थल है कुमारर, इस कुमारर की इन्होंने खोज की। उन्होंने वेनसंग और फाइयान का जो प्रवास वर्णन है, जो उनका यात्रा वर्णन है वह उन्होंने लिया और उसके ऊपर से वॉडल यहाँ पर आए, उस स्थली पर गए और उस स्थली पर जाकर जो कुमारर नाम का गांव है यहाँ पर वो खोज करते करते कुमारर नाम के गांव के पास गए। तब जाकर वहाँ पर जो शेख नाम का वहाँ पर एक व्यक्ति रहा करता था, उस शेख नाम के व्यक्ति की वह जगह थी और वो शेख नाम का व्यक्ति इन्फॉर्मेशन देता है वॉडल को कि यह जो स्थल है या फिर इस स्थली पे उन्हें कुछ अवशेष पाए गए थे कुशानकालीन स्तूपों के। तब जाके यह कंफर्म हो जाता है कि आज का जो पाटलिपुत्र है आज का या फिर जो पटना है मतलब आज का वह प्राचीन काल का पाटलिपुत्र हुआ करता था, ऐसे संदर्भ मिले। और साथ ही साथ यहाँ पर यह जो स्थलीय आज का जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम इस वीडियो में यहाँ पर पास में जो अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो पटना रेलवे स्टेशन जो कि बहुत सारे चित्रों के साथ अंकित है और इसे सजाया गया है, यहीं से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर पटना म्यूजियम है। इस पटना म्यूजियम में तथागत बुद्ध की अस्थियां रखी गई है जो कि वैशाली से पाई गई थी। वैशाली में जो उत्खनन कार्य हुआ था स्तूप का, वहां से जो तथागत बुद्ध के शारीरिक धातु है वह कलेक्ट किए गए थे और वह आज यहां के पटना म्यूजियम में रखे गए। और साथ ही साथ यहां पर बहुत सारे शिल्प हमें दिखाई देंगे। हाल ही में जो पटना म्यूजियम के जो शिल्प है वह नया बिहार का म्यूजियम बना है, वहाँ पर शिफ्ट किए गए। और यहीं से कुछ ही दूरी पर कुमारर नाम की साइट है, यहाँ से करीबन 5-1 किलोमीटर की दूरी पर कुमारर है और साथ ही साथ जिसे आजम का कुआं कहा जाता है वह भी स्थल यहीं पास में ही है।